हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मी की टिप्स एंड फूड। तो चलिए आज खीर बनाते हैं। खीर बनेगी कुछ नई तरीके से। ये खीर जो है बहुत मज़ेदार बनने वाली है, यानी कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। खाओगे तो खाते ही रह जाओगे, तो एक बार इसको आप ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम सबसे पहले एक कप चावल। ये चावल जो है मोटे हैं, तो वैसे तो खीर पतले बारीक वाले चावल से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं मोटे चावल से बना रही हूँ। इनको भी आप भिगो करके बारीक कर सकते हो। तो ये मैं हाथ में निकाल के दिखा रही हूँ, ये इतने मोटे चावल हैं। और इनको अच्छे से धो दूँगी मैं, पहले दो तीन पानी से इसको अच्छे से एक बार धो देते हैं। यहाँ मैंने चावल को दो तीन बारी से धो दिया। इसको हम 15 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। भीगने के बाद क्या है ना कि चावल सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं आगे की प्रोसेस। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दे रही हूँ। तो चलिए चावल को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको क्या करना है। चावल को ना हाथ से आपने धीरे धीरे करके मसलना है। हाथ पे लेकर के ना, जैसे मैं मसल रही हूँ इस स्टेप से आपने इसको धीरे धीरे करके मसलना। बहुत ज़ोर से नहीं मसलना है कि उसका पेस्ट बन जाए। हल्का दरदरा उसको रहने देना है। चावल ऐसे में जो है टूट जाएंगे, बारीक बारीक से हो जाएंगे ना, तो उसके बाद खीर बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आप अच्छे से इसको फिर उसके बाद धो देना, क्योंकि चावल का जो सफ़ेद पानी निकलता है उसको आप हटा देना, अच्छे से धो देना। अब आप देख रहे होंगे हाथ में मेरे चावल बारीक हो गए हैं। तो चलिए इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे एक बार इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ रख दिया मैंने एक पैन गरम करने के लिए। इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल रखा है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है जो आप डालना चाहो, उसको आपने हल्का सा रोस्ट करना है। तो मैं काजू और बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करके क्या होता है ना, इसमें क्रंचीनेस आता है और टेस्टी भी लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। थोड़े से मैं किशमिश भी ऐसी रोस्ट कर रही हूँ इसमें। ये फटाफट से हो जाते हैं और इसको निकाल दूँगी मैं। एक ड्राई फ्रूट्स को एक कटोरी में निकाल रही हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स को। और इसके बाद जो इसमें जो थोड़ा बहुत जो घी बचा हुआ ना, उसमें हल्के से चावल को भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा देर तक हमने चावल को इस घी में नहीं भूनना है, क्योंकि फिर चावल ना हल्के से हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा देर तक हमने नहीं भूनना, बस 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बस। यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध, यानी कि 1 किलो दूध है ये। और इसमें मलाई, फुल क्रीम दूध है ये, इसमें मैं मलाई नहीं हटाऊँगी, मलाई सहित में इसमें डालूँगी। लेकिन इसमें 1 कप दूध जो है ना, मैं अलग से बचा रही हूँ, और बाकी सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको अच्छे से हम पका लेंगे। मिला लूँगी पहले एक बार अच्छे से, क्योंकि नीचे से चावल हल्के से घी में वो करे थे ना हमने फ्राई, तो थोड़ा सा जम जाते हैं। तो इसको आप एक बार करछी इसमें अच्छे से मार देना, चला देना यानी कि, और इसको बीच बीच में आप चलाते रहना जब तक इसमें 1 उबाल आना स्टार्ट नहीं हो जाता, क्योंकि नीचे चावल जम मतलब चिपक सकते हैं तलवे पे, तो इसलिए आप बीच बीच में इसको चलाते रहना। और गैस की फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। अगर सामने खड़े हो तो तेज कर सकते हो, नहीं तो लो टू मीडियम में ही रखना है इसको। जो हमने चावल को जो है 15 मिनट के लिए जो भिगा करके हमने उसको हाथ से मसल करके जो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा था ना, वो इसलिए तोड़ा था कि ताकि खीर एकदम गाढ़ी बने और बहुत जल्दी पक जाए। जैसे खीर बनती है ना एकदम गाढ़ी, नहीं तो चावल अलग और दूध अलग हो जाता, तो इस टाइप से नहीं होगा। अब उबाल आ गया इसमें, एक अच्छे से एक बार उबल गया है, 1 उबाल भी नहीं, मतलब 5 मिनट इसको हो गए उबलते उबलते। तो मैं इसमें जो चीनी डाल रही हूँ 1/2 कप। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें 1/4 कप या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हो। इसको अच्छे से और उबालना है। ये मैं आपको चम्मच से उठा करके दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल दलिया का जैसे टेक्सचर इसमें आ रखा है। चावल बिल्कुल ऐसे टूट रखे जैसे दलिया लग रहा है एकदम से ये। और इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसमें एक चीज़ और मिलानी है, वो मैं बताती हूँ आपको। मैंने 1 कप जो दूध अलग से निकाला था ना, वो ये है, ठंडा हो चुका है दूध। इसमें मैं मिला रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जो वनीला फ्लेवर का होता है वो वाला, 2 चम्मच मैंने इसमें मिला दिया है। दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध में जो है इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो ठंडे दूध में आपने इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाना है और इसको अच्छे से मिला देना।
इसकी गुठलियाँ ख़त्म करने तक आपने इसको मिलाना है। अब आप खीर देख सकते हो बहुत गाढ़ी हो चुकी है और इसमें मिलाऊंगी मैं ये कस्टर्ड पाउडर। और जैसे आप इसको डालोगे ना तो आपने चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी नीचे से। तो फटाफट से इसको चलाते रहना है क्योंकि ये गाढ़ा भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसको अच्छे से आपने घुमाना है और पकाना है इसको, 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका देना है। जल्दी से पक जाता है लेकिन छोड़ना मत कि चला देना पूरे नीचे से, तलवे से लगाते हुए इसको चलाना करछी को ताकि इसमें गुठली ना पड़े इसकी। ये खीर जो है थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है ना, तो पहले से तो खीर गाढ़ी हो ही रही थी लेकिन कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी खीर हो जाती है। तो इसको अभी पका दूँगी मैं, गैस की फ्लेम मैंने हल्की सी तेज़ करी है। अब आप देख लूँगी पूरी गाढ़ी हो गई है खीर। 1 से 2 मिनट हमने पकाना है यानी कि इसके जब तक बुलबुले जैसे नीस में उठने लग जाते हैं ना, ये इस टाइप से जो उठ रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा और होने लग जाएंगे। तो खीर हो चुकी है तैयार, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो गर्मा गर्म खीर यानी कि कस्टर्ड वाली खीर आपने खाई हो या ना खाई हो, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करना। एक नए अंदाज़ में बना रखी है मैंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और खीर को आप ज़रूर से ट्राई करना। और मैंने इसके ऊपर जो गार्निशिंग के लिए जो रखे हुए थे ना ड्राई फ्रूट्स, उसको मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। तो मैंने हल्के से इनको क्रश कर दिया था यानी कि काजू और बादाम दोनों को मैंने हल्का सा क्रश कर दिया है। तो इसके ऊपर से मैं डेकोरेट करूँगी इससे। तो काजू और बादाम का जो है मैंने एक साथ मिक्स करके कर दिया था इसको क्रश, तो इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ। और साथ में डाल रही हूँ मैं किशमिश। किशमिश तो मैंने कट नहीं करा है, साबुती रखे हुए हैं तो किशमिश को मैं वैसे ही डाल रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ किशमिश से। ये दिखने में भी सुंदर लगेगा, जितना सुंदर ये दिखने में लग रहा ना उतना ही टेस्टी ये खाने में लगेगा। आप इसको ज़रूर से ट्राई करना। एक बार आपने ये वाली खीर खा दी ना तो जो सिंपल वाली खीर होती है ना उसको तो आप पसंद कम करोगे, यानी कि क्योंकि इसमें जो कस्टर्ड पाउडर डाला ना, इसमें जो वनीला फ्लेवर आता है उसके साथ में ये खीर बहुत अच्छी लगती है।